ले, इसमें ऊपर नॉर्मा वर्टिकलिस या कैल्वेरिया देखते हैं। सबसे पहले है फ्रंटल बोन, ये दो पेराइटल बोन्स है, पीछे इंटर पेराइटल बोन और नीचे ऑक्सीपिटल बोन का स्क्वेमस पार्ट। पेराइटल बोन में दो फोरमेन होते हैं, इनको बोलते हैं पेराइटल फोरमेना। फिर आगे ये कोरोनल सूचर है, ये सजिटल सूचर, ये दोनों जहाँ मिलते हैं उस पॉइंट को कहते हैं ब्रेगमा या इंटीरियर फोंटानेल। पीछे लेमडा सूचर है और ये सजिटल सूचर जहाँ पे मिल रहे हैं इसको बोलते हैं लेमडा या पोस्टीरियर फोंटानेल। फिर एंटीरियर एस्पेक्ट या नॉर्मा फ्रंटालिस, इसमें आगे फ्रंटल बोन है, इसके दो फ्रंटल एमिनेंसेस, ये सुपर सिलियर आर्चेस, ये ग्लैबेला, ये दो नेजल बोन्स और इसके हाईएस्ट पॉइंट को कहते हैं रीनियन। इसके फ्रंटो नेजल सूचर में एक डिप्रेशन होता है जिसको हम बोलते हैं नेजियन। फिर ये नेजल एपर्चर है, इसमें ये नेजल सेप्टम, ये दो बोन से बनते हैं, ऊपर वाला पार्ट एथमॉइड बोन से और नीचे वाला पार्ट गोमर से। ये आगे इंटीरियर नेजल स्पाइन है और ये मिडल नेजल कॉन्का और इन्फीरियर नेजल कॉन्का। फिर ये मैगजिला है, इसमें इंटर मैगजिलरी सूचर, ये जाइगोमेटिक बोन है, ये जाइगोमेटिक बोन का फ्रंटल प्रोसेस है और ये टेम्पोरल प्रोसेस है जो आगे बनाएगा जाइगोमेटिक आर्च। फिर ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट काफ़ी बोन से बनता है, सबसे पहले साइड पे जाइगोमेटिक बोन, ये स्फेनॉइड बोन, ऊपर फ्रंटल बोन है, ये एथमॉइड बोन है, नीचे मैगजिला है और ये छोटी बोन है, इसको बोलते हैं लैक्रिमल बोन। इसमें डिप्रेशन होते हैं जिसको लैक्रिमल ग्रूव या लैक्रिमल फॉसा बोलते हैं। उसके बाद इसमें फोरमेन, ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, ये ऑप्टिक कैनाल, फोरमेन रोटेंडम। फिर ये सुप्रा ऑर्बिटल नॉच है और ये इंफ्रा ऑर्बिटल फोरमेन है। ये कैनाइन टूथ के ऊपर प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं कैनाइन एमिनेंस। उसके बाद लेटरल पार्ट पे ये टेम्पोरल बोन है, ये इसका स्क्वेमस पार्ट है, ये पेराइटल बोन के साथ फ्यूज करती है बाय स्क्वेमोसल जॉइंट और आगे इस पॉइंट को कहते हैं टेरियन। टेरियन पे काफ़ी सूचर्स आके मिलते हैं और इसको एंटीरियो लेटरल फोंटानेल बोलते हैं। ये ग्रेटर रिंग है स्फेनॉइड बोन का। फिर ये मेस्टेरॉइड प्रोसेस है, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, इसके ऊपर एक ट्रायंगल होता है जिसको बोलते हैं सुप्रामीटल ट्रायंगल। ये मैंडिबुलर फॉसा है जहाँ पे मैंडिबल अटैच होती है और ये आर्टिकुलर ट्यूबरकल है। ये जाइगोमेटिक आर्च दो चीज़ों से बनती है, टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन और जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। उसके बाद पीछे ये इस पॉइंट को कहते हैं स्टीरियन, जहाँ पे ऑक्सीपिटल पेराइटल और टेम्पोरल बोन फ्यूज होती है, इसको पोस्टीरियर लेटरल फोंटानेल बोलते हैं। फिर पीछे नॉर्मा ऑक्सीपिटलिस, इसमें एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट, हाईएस्ट न्यूक्लियर लाइन, सुपीरियर न्यूक्लियर लाइंस और इन्फीरियर न्यूक्लियर लाइन। और प्रोट्यूबरेंस के हाईएस्ट पॉइंट को हम बोलते हैं इनियन। फिर अंदर चलते हैं नॉर्मा बेजेलिस इंटरना में, इसमें सबसे पहले आगे ये एथमॉइड बोन है, इसके पार्ट्स में सबसे आगे फोरमेन सीकम, ये क्रिस्टा गिलाई है प्रोजेक्शन, नीचे जो प्लेट्स हैं इसको बोलते हैं क्रिबरीफॉर्म प्लेट्स, इसमें फोरमिना होते हैं जिसको बोलते हैं ऑल्फैक्ट्री फोरमिना। इसमें दो केनाल सेंटर होती हैं, आगे वाली केनाल को बोलते हैं एंटीरियर एथमॉइडल केनाल और पीछे पोस्टीरियर एथमॉइडल केनाल। ये ऑर्बिटल प्लेट्स हैं फ्रंटल बोन की, ये फ्रंटल क्रेस्ट है, ये स्फेनॉइड बोन, स्फेनॉइड बोन के लेसर विंग्स और ये ग्रेटर विंग्स। लेसर विंग के पीछे प्रोसेस होते हैं इसको बोलते हैं एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, इधर मिडल क्लिनॉइड प्रोसेस होते हैं और पीछे पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेलेट अर्सिका। सेलेट अर्सिका तीन चीज़ों से बनता है, एक ट्यूबरकुलम सेला, ये पूरा डॉर्सम सेला और नीचे हाइपोफिजियल फॉसा। इस ट्यूबरकुलम सेला के आगे एक पॉइंट होता है इसको बोलते हैं सल्कस कैस्मेटिकस। फिर ये पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है, इसमें फॉरमिंग कर लेते हैं, सबसे ऊपर ये ऑप्टिक केनाल, ये वाला। फिर ये सुपीरियर ऑप्टिक फिशर, ये फॉरमिन रोटेंडम,
फोरमेन ओवेल, फोरमेन स्पाइनोजम और ये फोरमेन लेसरम। फिर पीछे आते हैं, पीछे ये वाले जो है ये इंटरनल एक्यूस्टिक मीटस है या इंटरनल ऑडिटरी कैनाल। फिर ये जुगलर फोरमेन, ये बड़ा है फोरमेन मैग्नम और इसके साथ है दो हाइपोग्लॉसल फोरमेन छोटे छोटे। फिर ये ऑक्सिपिटल बोन सारी है, आगे इसका बेजिलर पार्ट है और पीछे स्क्वेमस पार्ट है। इधर स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं क्लाइवस। पीछे ये सेरिबेलर फॉसा और ये सेरिब्रल फॉसा है। इसमें ये इंटरनल ऑक्सिपिटल प्रोट्यूबरेंस और इंटरनल ऑक्सिपिटल क्रेस्ट साइड पे, यहाँ पे ग्रूव होता है ट्रांसवर्स साइनस के लिए और यहाँ पे ग्रूव होता है सिग्मॉइड साइनस के लिए दोनों साइड्स पे। पेट्रस पार्ट के आगे से गुजरता है सुपीरियर पेट्रोजल साइनस और पीछे से गुजरता है इंफीरियर पेट्रोजल साइनस। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ग्रूव्स थे, एक तो था सुपीरियर सेजिटल साइनस का ग्रूव बीच में, बाकी ये छोटे ग्रूव्स यहाँ पे होते हैं मिडल मेनिंजियल आर्टरीज के लिए और यहाँ पे कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसको बोलते हैं ग्रैन्यूलर फॉर्मुलाए जो बनते हैं रेटिनल ग्रैन्युलेशन से। आगे ये फ्रंटल क्रेस्ट। फिर नीचे आते हैं नॉर्मा बेजेलिस एक्सटर्नम, इस पे सबसे आगे हार्ट पैलेट है। हार्ट पैलेट बनती है दो स्ट्रक्चर से, आगे होती है पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला बोन और पीछे पैलेटाइन बोन। इन इसके बीच में जो स्विचर, इसको बोलते हैं मीडियन पैलेटाइन स्विचर और इस स्विचर को बोलते हैं पैलेटो मैक्सिलरी या ट्रांसवर्स पैलेटाइन स्विचर। ये पीछे पोस्टीरियर नेजल स्पाइन है और आगे एंटीरियर नेजल स्पाइन है। ये वोमर बोन, फिर ये ऑक्सिपिटल बोन है सारी, इसका ये बेजिलर पार्ट है, ये दो ऑक्सिपिटल कॉन्डाइल्स हैं, ये फोरमेन मैग्नम और ये स्क्वेमस पार्ट ऑफ ऑक्सिपिटल बोन। फिर ये सारा जो है साइड पे ये बनता है ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड बोन से और ये पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, ये मीडियल टेरिगॉइड प्लेट है, ये लेटरल टेरिगॉइड प्लेट है। मीडियल टेरिगॉइड प्लेट के ऊपर प्रोजेक्शन होती है, इसको बोलते हैं टेरिगॉइड हैमुलस। फिर इसके बीच में ये जो ऊपर वाला फॉसा है इसको बोलते हैं टेरिगॉइड फॉसा और नीचे वाले को बोलते हैं स्कैफॉइड फॉसा। फिर ये मैंडिबुलर फॉसा या आर्टिकुलर ट्यूबरकल। फिर फोरमेन देख लेते हैं, ये फोरमेन ओवेल है, ये फोरमेन स्पाइनोजम, ये फोरमेन लेसरम, ये ग्रूव फॉर ऑडिटरी कैनाल, ये कैरोटिड कैनाल है, ये जगुलर फोरमेन, इधर है हाइपोग्लॉसल फोरमेन और पीछे है पोस्टीरियर कॉन्डाइलर फोरमेन। इसके अलावा आगे भी फोरमेन थे, सबसे आगे था इंसिसिव फोरमेन, इधर ग्रेटर पैलेटाइन फोरमेन और लेसर पैलेटाइन फोरमेन। फिर ये स्टाइलॉइड प्रोसेस, ये मेस्टॉइड प्रोसेस, मेस्टॉइड प्रोसेस के साथ नॉच होती है, इसको बोलते हैं मेस्टॉइड नॉच या डायगेस्टिक नॉच। फिर यहाँ पे ग्रूव होते हैं, इसको ये होता है ऑक्सिपिटल आर्टरी के लिए ग्रूव। फिर ये स्टाइलॉइड और मेस्टॉइड प्रोसेस के बीच में जो फोरमेन है इसको बोलते हैं स्टाइलोमेस्टॉइड फोरमेन और मेस्टॉइड प्रोसेस के पीछे फोरमेन होते हैं इसको बोलते हैं मेस्टॉइड फोरमेन।